हेलो 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 माइक चेक हेलो एक बार साले से सम्मान बनाए हमारे मान्य महोदय जी का धन्यवाद महोदय आप सभी का अभिनंदन कि आप यहाँ 77th इंडिपेंडेंस डे से सब एकत्रित हुए हैं। बहुत ही गौरव का क्षण है हमारे लिए कि आज हमारा स्वतंत्रता दिवस है, जब भारत पराधीनता की इन देरियों से आज़ाद हुआ था, अनगिनत लोगों ने जो त्याग दिया था, जो सेक्रीफाइस किया अपनी लाइफ का, और इस स्वतंत्रता संग्राम में जिन्होंने अपनी जीवन की आहुति दी, आज ये दिवस है कि हम उनको नमन करते हैं। तो आइए आज हम सब उन स्वतंत्रता सेनानियों को जिन्होंने हमारे भविष्य के लिए, ताकि आप और हम जो है एक खुली हवा में सांस ले सके, एक आजाद देश की हवा में सांस ले सके, ऐसे देश का निर्माण करने हेतु, ऐसे देश की नींव रखने हेतु जिन लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी, हम उनको नमन करते हैं। और आज 77th इंडिपेंडेंस डे है, जैसा कि आपको विदित है कि इतने वर्ष इंडिया को आजाद हुए हैं, वो हमें आजादी तो मिल गई थी ब्रिटिश राज से, हम कहते हैं अंग्रेजों की पराधीनता, उसकी देरियों से जकड़े हुए थे हम, उससे तो हमें आजादी मिल गई है, परंतु हमें नेक्स्ट स्टेप से आजादी लेनी है। नेक्स्ट स्टेप की आजादी हमारी जो छोटी सोच है उससे हमें आजादी चाहिए, जो हमारी लिमिटेड थिंकिंग है, ये जो हम इंडिविजुअलिस्टिक बिहेवियर रखते हैं, या फिर हम कहते हैं बहुत सारी कुरीतियाँ अभी भी हमारे समाज में हैं, सोशल इवेंट जिसको हम कहते हैं सामाजिक बुराइयाँ, सामाजिक कुरीतियाँ अभी भी हैं जिससे हम ग्रस्त हैं, जिसकी देरियों में हम अभी भी जकड़े हुए हैं। मैं इसलिए इस चीज़ पर एम्फसाइज करना चाह रही हूँ कि हमारे पानी के लोग आए हैं, पानी आए हैं, और हमारे देश का भविष्य, हमारे बच्चे यहाँ मौजूद हैं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि जिस तरह स्वतंत्रता सेनानियों ने त्याग दिया, बलिदान दिया, उस तरह हम भी अपने देश के लिए कुछ ना कुछ करें, और जो हमारी सामाजिक बुराइयाँ हैं, सामाजिक कुरीतियाँ हैं, उन पर हम विजय प्राप्त करें। कास्टिज्म हुआ, करप्शन हुआ, जिस तरह से वुमेन एम्पावरमेंट की जो लड़ाई है वो हम लड़ रहे हैं, या जो हम चाहते हैं कि हमारा देश जो है वो गरीबी से मुक्त हो, पॉवर्टी फ्री हो, इस तरह की बहुत सारी कुरीतियाँ हैं जिससे हम लोग लड़ रहे हैं। सब लोग हम लोग ये चाहते हैं कि हमारा देश जो है वो स्वस्थ भारत बने, सभी सशक्त भारत बने, सभी को शिक्षा का अधिकार हो। ये जो राइट्स हैं हम अभी भी पूरे समाज में एज ए सरकार भी और एज जन समूह भी हम लोग फोकस कर रहे हैं कि हमारे लोगों को ये राइट्स मिले। और मैं ये चाहती हूँ कि इस स्वतंत्रता दिवस के लिए आप सब लोग ये प्रण लें कि हमें अपने देश को एक बेहतर देश बनाना है। देश आज़ाद हुआ है, परंतु हमारी जो डेवलपमेंट की जो जर्नी है, जो हमारा जो रास्ता है, उससे हम अभी भी अग्रसर हैं। फुली डेवलप्ड नेशन बनने के लिए और विश्व गुरु बनने के लिए हम लोग कहते हैं कि भारत सोने की चिड़िया था, पर क्या वो था नहीं रह गए? क्या हम इसको अभी वर्तमान में उतार सकते हैं? क्या हम इसको भविष्य का एक सपना सोच सकते हैं? तो हमें ये सोचना होगा, जितने भी पानी के लोग यहाँ मौजूद हैं, कि हम क्या कर सकते हैं अपने समाज के लिए, हम क्या कर सकते हैं अपने देश के लिए, अपने निजी जितना भी हमारा फोकस है, हमारे स्वार्थ से ऊपर उठ के क्या हम परमार्थ की तरफ जा सकते हैं, ये हमें सबको सोचना होगा। हम आज के दिन झंडे को सलामी देते हैं, राष्ट्रगान गाते हैं, राष्ट्रगीत गाते हैं, उसका एसेंस क्या है? उसका एसेंस ये है कि हम सब लोग मिलके अपने देश को प्रगति की राह पर लेके आए। तो
तो मैं चाहती हूँ कि सिर्फ ये एक दिन का दिवस ही सीमित ना हो कि आज हमने अपने झंडे को सलामी दी, आज हमने नेशनल एंथम गाया, नेशनल सॉन्ग गाया। बस एक ऐसी आपके अंदर एक जागरूकता होनी चाहिए, एक ऐसी फायर जिसको हम कहते हैं वो होनी चाहिए, ताकि आप अपने देश के लिए हमेशा जो है वो अग्रसर रहे। तो बच्चों से मेरी खास उम्मीदें रहती हैं, बिकॉज बच्चे हमारे देश का भविष्य है। जो आज आप सीख के जाएंगे वो हमारे देश को बरसों बाद वो परिचित होगा, हमारे देश के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। तो बच्चों से मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट है कि आप हमेशा एक फ्रेंड हैं कि हम हमेशा फंडामेंटल राइट्स के प्रति तो सब जागरूक रहते हैं, तो हमारा अधिकार है, परंतु फंडामेंटल ड्यूटीज के प्रति भी आप लोग जागरूक रहे और अपने देश को प्रगति की राह पर अग्रसर करें। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने गाने को बुलाऊंगी और इतना जरूर हमारे इस समागम को जो है काफी सेरेमोनियल रखा गया है, ताकि अपने देश को सेरेमोनियल रखा गया है। हिमाचल पुलिस बल के जवान ने यहाँ प्रस्तुत किया जो बातानिया। इसके पश्चात राजकीय महाविद्यालय कांगी से एनएसएस छात्र तालियों से उनका हौसला बढ़ा है। इसके पश्चात गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कांगी रेडर एंड रेंजर ग्रुप और रेंजर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पांडू मैदान तालियों के लिए। उसके पश्चात खिलाड़ पांडू तालियों बजा दीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप। आपको अगला प्रश्न के लिए प्रदान में आ जाए।